प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सरकार को बदनाम करने के लिए बड़े पैमाने पर बिजली कटौती किए जाने की बातचीत दर्ज है, जिसको लेकर अब मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी और संघ पर आरोप लगाए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में बिजली कटौती पर हाहाकार, सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो से सनसनी। क्या कमलनाथ सरकार को बदनाम करने की हो रही साजिश? प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ साथ बिजली को लेकर सुबह की सियासत के पारे में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो ने प्रदेश में बिजली पॉलिटिक्स में तेजी ला दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो में तथाकथित बिजली विभाग का एक अधिकारी एक शख्स से प्रदेश के जिलों में बिजली काटने की हिदायत देते सुनाई दे रहा है। साथ ही ऑडियो में सीएम कमलनाथ को बदनाम करने की बात कही जा रही है। हेलो, हाँ राजीव। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था, आज कोलार में हुआ है कल हंगामा, ऐसे कुछ कर रहा पूरे प्रदेश में? और सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी देखो चुनाव आ रहे हैं, है ना, और रतलाम में बढ़िया चुनाव आ रहे हैं, तो जरा वहाँ पे ज्यादा फोकस करो, जितनी हो सके उतनी बिजली काटो। हाँ सर, वैसे अभी हमारी कोशिश तो है, अभी भोपाल में भी हमने एक ब्रह्मपुरा, आनंद नगर, लुधियानी, बरखेड़ा, कोलार, सभी जगह हम अभी 5-5 मिनट के लिए सभी जगह काट रहे हैं। नहीं, 5-5 मिनट क्या बता यार, 5 मिनट की सुनो, तुम मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, कम से कम आधे घंटे बिजली कटनी चाहिए। नहीं सर, अभी हाँ सर, अभी इंदौर में भी हमने सर अभी जो रऊ, रजवाड़ा और छतरपुर में भी हमने जो जगह काटी है सर, अभी सभी जगह, सभी जिलों में। नहीं सुनो, मैंने आपसे जो बोला वो करो, आप छोटे जिलों पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बिजली काटो और सरकार के खिलाफ इतना विरोध करा दो जिसका कोई हिसाब नहीं। कमलनाथ को खूब बदनाम करो। हाँ सर, सरकार को खूब बदनाम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना हो सके उतनी बिजली काटो। सर अभी सरकार अभी एक्शन में है सर, कोई सस्पेंड वगैरह नहीं हो जाओ। बात कर रहा है यार तुम, मैं तो बैठा हूँ यहाँ, क्या टेंशन है तुम्हें? हाँ सर, थोड़ा पेमेंट हो जाती कुछ। क्या पेमेंट हो गई, कितनी हो गई? सर अभी 17 हो गए हैं सर, और कुछ हो जाता क्योंकि सर नीचे जो है, नीचे और भी लोगों को है, अधिकारी लोगों को भी सर, और भी लोग नीचे कर, और भी लोगों को देना पड़ता है सर। चलो मैं करा दूंगा, वो उसकी टेंशन नहीं है ना, कितना अभी कितना बन गया? अभी तो सर अभी 17 आ गए, और थोड़ा कर देते आप। चलो मैं करा दूंगा, और करा दूंगा, 15-20 करा दूंगा, है ना, उसकी वो चिंता मत करो तुम, जितना हो सके उतना कमलनाथ को बदनाम करो। ठीक है सर, अपनी सरकार को बदनाम करो। अभी हम सर आधे घंटे बिजली कटनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अभी हम आधे आधे घंटे सर, और हम सभी जगह पे आज काट, गांव में ज्यादा काटो, गांव में 1.5 घंटे काटो। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप तो ठीक है, 1.5 घंटे बिजली काटो। हाँ सर, अभी आज ही हम आधे आधे घंटे काट देते सभी जगहों पे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि फोन लगाना बार बार और वो मत करो, आप तो डायरेक्ट मिलो, रिकॉर्डिंग आजकल होने लगी है, बहुत दिक्कत की लाइन है, आप तो फेस टू फेस बात करो, मुझसे मिलो, जहाँ बोलो मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ या तो आप आ जाना, कोई ऐसी बात नहीं, ऑफिस मिल लेना। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, चलो ठीक है। वहीं वायरल ऑडियो को लेकर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि ऑडियो में जो बात हो रही है वैसी ही प्रदेश की बिजली समस्या हो रही है। जनसंपर्क मंत्री ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी और संघ के लोग बिजली विभाग के अधिकारियों से षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, सरकार दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही करेगी। उस ऑडियो में वो बात हो रही है जो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आ रहा है, जो घटित हो रहा है, हम ये देख रहे हैं पिछले जब से लोकसभा चुनाव के समय उसके बाद से कि बिना किसी वजह के बिजली जा रही है। आखिर क्यों हो रहा है? उसमें लेन देन की भी बात हो रही है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग इस तरह का षड्यंत्र कमलनाथ जी की सरकार के खिलाफ और मध्य प्रदेश की जनता के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बहरहाल इस ऑडियो क्लिप की सच्चाई क्या है ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इस वायरल ऑडियो ने मुद्दे को नई दिशा दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।